दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश, जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर, नई दिल्ली। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9810089168। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी और वक्त हो चुका है फटाफट मिडडे खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रोजगार की कमी को लेकर बयान देते हुए कहा है कि जॉब क्रिएशन में कमी नहीं आई है बल्कि डेटा क्राइसिस है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर समेत तमाम काम किए हैं और ऐसे में जब विकास के कार्य हुए हैं तो रोजगार कैसे नहीं बढ़ा होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अब संभव नहीं है और इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर इनकार कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के 7 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला तय हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों की अपनी मजबूरियों की वजह से महागठबंधन नहीं बन पाया, लेकिन एक बात तय है कि सभी लोग मोदी और भाजपा के विरोध में एक साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार ने रविवार को पैन कार्ड और आधार को लिंक करने का समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और अब यह सीमा 30 सितंबर तक कर दी गई है। आपको बता दें कि यह 6ठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के समय सीमा में बढ़ोतरी की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज इस बात का फैसला करेगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोरा को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरबीआई 2 महीने के बाद एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती कर सकती है और माना जा रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्ती और अमेरिका में शटडाउन की वजह से आरबीआई यह फैसला ले सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कांग्रेस की न्याय योजना का समर्थन करने पर राजन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पूर्व गवर्नर राजनीतिक बयान देंगे तो इससे संस्थान की स्वायत्तता को नुकसान होगा और सरकारी अधिकारियों पर से सरकार का विश्वास उठ जाएगा। बारिश और तूफान ने आज पड़ोसी देश नेपाल को हिलाकर रख दिया है। इस तूफान से 25 लोग काल के गाल में समा गए जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद नेपाली सेना प्रभावित इलाकों में बचाव और सहायता कार्य में जुट गई है। इसरो ने आज सुबह PSLV C-45 रॉकेट के जरिए इनसेट और 28 विदेशी सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया और इसरो ने जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण इनसेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। यह DRDO को डिफेंस रिसर्च में मदद करेगा। पहली बार चुनाव लड़ रहे लिंगायत समाज के धर्मगुरु और महाराष्ट्र के सोलापुर से बीजेपी के उम्मीदवार जय सिद्धेश्वर स्वामी ने खुद को भगवान बताने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान छुट्टियों का सीजन है, इसलिए देव दर्शन के लिए मत चले जाना, भगवान तुमसे बात नहीं करेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि मैं ही तुम्हारा बोलने वाला भगवान हूँ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि कुछ दिनों पहले मैंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के भाषण में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। पीएम मोदी के वो पंक्तियां मेरे मन को छू गई और उसे मैंने रिकॉर्ड किया, जो मुझे वास्तव में हर भारतीय के मन की बात लगती है। इटावा के सफाई में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पहले चरण की सभी सीटों पर गठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की जनसभाओं में खाली कुर्सियों की तस्वीर सामने आ रही है, निश्चित है ऐसा ही जनमत भारतीय जनता पार्टी को नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस में जारी घमासान पर तंज कसते हुए कहा है कि फूट से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सिर्फ टोवल से भी बढ़कर लड़ाई हो रही है और अब एक दूसरे की वजूद को खत्म करने तक पहुंच गई है। पूर्व सांसद और झारखंड दिसोम पार्टी के संस्थापक सालखन मुर्मू ने जदयू ज्वाइन कर ली है, जिन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास में पार्टी में शामिल किया है। गंभीर संकट से जूझ रहे जेट एयरवेज के लिए एक राहत की खबर आई है, क्योंकि कंपनी के पायलटों ने NAG के तहत विमान नहीं उड़ाने के अपने फैसले को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया और देना बैंक खुद में मर्ज कर आज से देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इन बैंकों के मर्ज की घोषणा पिछले साल सितंबर महीने में ही कर दी थी। भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाने वाला मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाली लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की उम्मीदवारी को लेकर रहस्य अभी भी बना हुआ है। इस बीच महाजन ने कहा है कि इस सीट से उम्मीदवार चयन के मामले में भाजपा संगठन सही समय पर सही निर्णय लेगी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज सुबह 2 बजे के भीतर मध्यम दर्जे के तीव्रता वाले भूकंप के 9 झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान की खबर नहीं है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को धरोहर की 2020 की सूची के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें कि इस सूची में दुनिया भर की सांस्कृतिक परंपराओं को शामिल किया जाता है। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मैनपुरी से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें खास बात यह है कि ऐसा पहली बार है जब नामांकन के वक्त मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव मौजूद नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार, और आज हम बात करने वाले हैं एनिमल के बारे में। जी हाँ, पशुओं के सुरक्षा के बारे में, उनके अधिकार के बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमजोर चंद्रन जी, अंबुज अग्रवाल जी और यतीश वाजपेयी जी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इन सभी लोगों से कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आई है कि इन्हें 28 अप्रैल को मुंबई में 3 बजे शिवाजी पार्क में पशु मुक्ति करण मार्च निकालने की जरूरत पड़ी है। जी हाँ, पशु मुक्तिकरण मार्च ये लोग निकाल रहे हैं 28 अप्रैल को मुंबई के शिवाजी पार्क में 3 बजे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमजोर जी। अमजोर जी, आप बताएं कि आखिर ये सोच कैसे डेवलप हुई और ये करने की जो आपकी आपको प्रेरणा मिली वो कैसे मिली? मैं एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं 3 साल हो गया मैं एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बन के, तो मेरे को पता चला वीगनिज्म एक लाइफस्टाइल है। तो वीगनिज्म होता है हम किसी भी तरीके से जानवरों का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमको हमारे शरीर में जो भी चीज चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब हम सब्जियों से मिलते हैं। बिल्कुल। और दूध के लिए, शहद के लिए, मांस के लिए, इवन लेदर, वूल, हर किसी चीज के लिए, और जिस चीज का जरूरत भी नहीं है। तो इस बात मेरे को समझ में आया, मैं वीगन बन गया। मैं 3 साल हो गए वीगन बन के, तो मैंने सोचा ये चीज दूसरों को भी पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए वीगनिज्म क्या होता है। बिल्कुल, पशुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। बड़ी पहल शुरू की है आप लोगों ने, और लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी एंगल पे किसी भी तरह के जीव जंतु हों, उन तमाम लोग तमाम जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं आप, अब जैसे कि आपने कहा कि दूध को लेकर भी पशुओं का शोषण हो रहा है, अगर दूध निकाला जाता है तो पशुओं का शोषण हो रहा है, तो सदियों से आता आ रहा है। आखिर इसमें दूध तो लोग बच्चों को पिलाना बहुत जरूरी होता है, ऐसे में उसका अल्टरनेट क्या आपने सोचा है? सर, आपने पहले बोला कि सदियों से ये चीज़ होता रहता है। सर, ऐसा बहुत सारे चीज़ है वो सदियों से होता रहता है। रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन था, सदी एक चीज था, वो सदियों से होता रहता था। लेकिन जब इंसान को पता चला सदी और ये डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट का बेस का डिस्क्रिमिनेशन, वो बहुत सालों से होता रहता है, लेकिन जब इंसान को पता होता है कि चीज गलत है तो सब चेंज होता है ना। तो ये सब चेंज होने में बहुत सालों लगा। रेसिज्म एक चीज़ है, वो चेंज होने में बहुत सालों लगा। तो लोगों पर ये जानकारी नहीं है कि ये सब जरूरत नहीं है। अपने बोला बच्चों को दूध जरूरत है। इस दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं है वो दूसरा जानवर का दूध पीता है, इंसान के अलावा ऐसा कोई जानवर नहीं है वो बड़े होकर भी दूध पीता है। हमारा सिर्फ एक आदत है दूध पीने का, दही खाने का, और हमको लगता है इससे कैल्शियम, ऐसा कुछ भी, कोई चीज का कोई जरूरत नहीं है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे मुंबई में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इससे पहले मुंबई में इतने लोग जुटे, इसके लिए तैयारी कहाँ कहाँ से आप लोगों ने की है और पहले से क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है? मेरा नाम यतीश है सर, और okay. मैं भी एक वीगन एनिमल लिबरेशन एक्टिविस्ट हूं, और मैं 4 साल से वीगन हूं, और मैं पिछले 2.5 वर्ष से एक्टिविज्म में कार्यरत हूं। वॉलंटियरली हम लोग एक्टिविज्म करते हैं, किसी संस्था से हम जुड़े हुए नहीं है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कि वीगन हैं भारतवर्ष के कई कोनों में है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, तो हम अपनी अपनी सिटीज में पूरी जागरूकता फैला रहे हैं कि हम सारे लोग मुंबई में इकट्ठा हों
और हम मिलकर जानवरों के लिए आवाज उठाएं। अब हम बात करेंगे अमजोर चंद्रन जी। अमजोर जी, जैसे कि इन दोनों ने बताया कि एनिमल को सपोर्ट करना चाहिए उसे, जैसे बहुत अच्छी बात की कि डॉग को हम अपने फैमिली मेंबर बना के रखते हैं, तो डॉग के साथ शायद इसी वजह से ये व्यवहार नहीं होता है, डॉग को कोई नहीं खाते हैं, शायद हो सकता है एक वजह ये भी रहा होगा। तो जब इतने सारे पशु हो जाएंगे, मान लीजिए अगर चिकन खाना लोग छोड़ दें तो बहुत सारे चिकन हो जाएंगे, और तो उसको कैसे लोग झेलेंगे? अब आपने एक सही सवाल पूछा कि ये हमारे बीच की एक धारणा है कि अगर हम जानवरों को खाना बंद कर देंगे तो जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी। ये हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये गलत धारणा है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से दुनिया में इंसानों की तादाद बढ़ी है, इस बात को साइंटिफिकली भी लोग जानते हैं कि जो जानवरों की जो तादाद बढ़ी है, खासकर फार्म्ड एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंसान ने उनको अपने फायदे के लिए बढ़ाया है। जैसे जो गाय होती है, भैंस होती है, एक जैसे मुर्गी होती है, एक मुर्गी जंगली मुर्गी साल भर में 18 से 20 अंडे देती है, लेकिन फार्म्स में वही मुर्गी को उसका बार बार प्रजनन करा के वो 280 से 300 अंडे देती है। यही बात एक गाय के साथ होती है। गाय को जब मादा बनाया जाते हैं तो उसको जबरदस्ती करके उससे बच्चा पैदा करवाते हैं, फिर वो बच्चा छीन करके उससे दूध लेते हैं जो दूध उसने अपने बच्चे के लिए दिया था। और मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो जानवरों की संख्या बढ़ रही है वो इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि वो खुद से नेचुरली बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंसानों ने उनको अपने फायदे के लिए उतना बढ़ा लिया है। अगर हम उनका इस्तेमाल करना बंद कर दें तो अपने आप ही उनकी संख्या घट जाएगी। बिल्कुल, अगर जानवरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बंद कर दें तो उनके प्रजनन की संख्या जो है अपने आप कंट्रोल में रहेगा, ये इन लोगों का मानना है। और वाकई जो तर्क दिए हैं इन्होंने, ये तर्क काटा नहीं जा सकता, सही लग रहा है, इस तर्क के पीछे का वजह भी जायज लग रहा है। और इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की है कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें? हम अपनी तरफ से लोगों को ये जानकारी, हम लोगों से जैसे अमजोर ने बताया था, हम हर हफ्ते एक्टिविज्म करते हैं, हम लोगों से ज़्यादा जाके मिलते हैं, उन्हें बताते हैं वीगनिज्म जो फिलोसफी है क्या है। ये फिलोसफी ये है कि लोगों को आप जानवरों को दर्द ना पहुँचाए, और लोगों को बताते हैं हम कि ये मार्च हो रहा है बॉम्बे में 28 अप्रैल को, तो इस और इसमें जरूरी नहीं है कि आप एक एनिमल लिबरेशन एक्टिविस्ट ही हो। अगर आप जानवर से प्यार करते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तो हम सभी को आमंत्रण देते हैं कि सब लोग आए हमारे साथ जुटे और मुंबई जाके 28 अप्रैल को मार्च करें हमारे साथ। बिल्कुल, सभी लोग जुटें, ये लोग 28 अप्रैल को मुंबई में पशु मुक्तिकरण मार्च निकाल रहे हैं, और इस मार्च में आम सभी शहरी को जुटना चाहिए। अच्छा कॉज लेके ये लोग निकले हुए हैं, इनका जो मुहिम है वो सफल होनी चाहिए, और हमारी मोबाइल न्यूज़ 24 की टीम भी इनके साथ खड़ी है। आप तमाम दर्शकों का आपके लिए ये मैसेज है, और आप तमाम दर्शक इस मैसेज को आगे तक फैलाएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अमजोर जी, अंबुज जी और यतीश जी, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। चुप्पी तोड़े आवाज उठाएं, मार्च विद अस टू गिव देम जस्टिस। तो ये थी मिडडे की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।